प्यारे व्यूअर्स नमस्कार। आज की हमारी टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हर बार लगभग जो भी यूनिवर्सिटीज एग्जाम कराती हैं जिसका पेपर्स होता है बीएससी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें जो है क्रिटिकल पॉइंट लगभग पूछे जाते हैं। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हम पहले डिफिनेशन पर बात करेंगे। कंसीडर द बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें कंसीडर करते हैं बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। डब्ल्यू बराबर टी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर वी गेट दिस इनवर्स मैप में। तो इनवर्स मैप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सी जेड प्लस डब्ल्यू डी इक्वल टू ए जेड प्लस बी आएगा। और हम जेड को एक तरफ करेंगे और इसको एक तरफ करेंगे तो डब्ल्यू सी जेड माइनस ए जेड इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी आएगा। तो इसमें से जेड को हम कॉमन लेंगे, डब्ल्यू सी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी। तो हमारा आएगा जेड इक्वल टू, हम इसका इनवर्स इमेज लेंगे तो टी इनवर्स डब्ल्यू इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी अपॉन डब्ल्यू सी माइनस ए। हम इसको इक्वेशन दो मान लेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसके आगे फिर सॉल्व करेंगे हम कि द ट्रांसफॉर्मेशन टी एसोसिएट्स ए यूनिक पॉइंट ऑफ द प्लेन एनी पॉइंट ऑफ द जेड प्लेन जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब हमारा जेड नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हमें जो जेड की वैल्यू है माइनस डी बाई सी प्राप्त होगा। द ट्रांसफॉर्मेशन टी इनवर्स एसोसिएट ए यूनिक पॉइंट ऑफ जेड प्लेन्स टू एनी पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन एक्सेप्ट एट पॉइंट डब्ल्यू बराबर ए बाई सी व्हेन सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब हमारा सी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हमें ए बाई सी प्राप्त होगा जहाँ पर हमें सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दीज एक्सपेंशनल पॉइंट जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी एंड डब्ल्यू इक्वल टू ए बाई सी आर मैप्ड इंटू द पॉइंट डब्ल्यू बराबर इन्फिनीटू और जेड बराबर इन्फिनीटू होने पर हमें वैल्यू प्राप्त होगी। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम जो है कि डिफरेंशिएशन फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू, जब हम जेड की वैल्यू इन्फिनीटू लेंगे तो हमें जेड बराबर माइनस डी बाई सी प्राप्त होगा, और जब हम जेड की वैल्यू जीरो लेंगे तो हमें जेड बराबर इन्फिनीटू मिलेगा। तो द पॉइंट जेड इक्वल टू डी बाई सी जेड इक्वल टू इन्फिनीटू आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट व्हेन वेयर द कोफार्मल प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड। हमारे जो कोफार्मल मैपिंग की प्रॉपर्टीज है वो होल्ड नहीं कर रहा है। इफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज क्लोज बाई द एडिशन ऑफ द पॉइंट इन्फिनेटिव देन वी से दैट द बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप वन वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन द ऑल पॉइंट ऑफ द क्लोज जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। हमारा जो कोफार्मल मैपिंग होगा वो जेड प्लेन से और डब्ल्यू प्लेन में जाकर के क्लोज हो जाएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, और भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं हम उसको अपने प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं।